365 न्यूज, आपकी खबर आप तक। 365 दिन आपके साथ। यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल शाखा रांची का सेवा कार्य 127वां दिन भी जारी है। लॉकडाउन की शुरुआत से ही आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा गरीब और जरूरतमंदों के बीच कच्चा अनाज और पके भोजन का वितरण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में उन्होंने कई लोगों को खाना खिलाने का काम किया है और कई गरीबों के आस पर खड़े उतरे हैं। वहीं खबर 365 न्यूज के इस संवाददाता ने इस चीज का जायजा लेने पहुंचे आनंद यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल शाखा में। वहां पर उन्होंने स्वामियों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम आचार्य चित्त स्वरूपानंद, मैं आनंद मार्ग प्रचारक संघ का महासचिव या जनरल सेक्रेटरी कह ले। अभी जो लॉकडाउन के जैसे अनाउंसमेंट हुआ उसके थोड़े दिनों के भीतर हमने शुरू कर दिया, लेकिन सेवा का काम हम लोग आनंद मार्ग बिहार में जब ये सूखा पड़ा था उस वक्त से शुरू किया है। आनंद मार्ग रिलीफ टीम उस वक्त गठित हुई थी, बाद में उसका परिवर्तित नाम, क्योंकि पूरे विश्व स्तर पर हम लोग काम करने शुरू किए तो उसका नाम आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम बन गया। हमारा एक ही चीज़ कहना है इसमें कि लोग जो अपने आते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें और परमात्मा का भजन कीर्तन करें, योग साधना करें, प्राणायाम करें, योगासन करें। मेरा नाम आचार्य रागा नुगा आनंद अवधूत है, आनंद मार्ग प्रचारक संघ से हूँ। कोरोना महामारी जो है इससे बचने का एक ही उपाय है, सरकार भी बीच बीच में अपना गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी करती रहती है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग तो मेन है कि हम दूरी बना के रखें, जब भी बहुत ज़रूरी हो तभी हम घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर न निकलें, क्योंकि यह एक आदमी आदमी से फैलता है और आजकल तो लोग बोलते हैं कि हवा में भी ये स्प्रेड कर गया है, तो दूसरा कोई उपाय सूझ नहीं रहा है जब तक कि कोई वैक्सीन कोई दवा न बन जाए। आचार्य सत्याश्रय आनंदोधूत, जब लॉकडाउन शुरू हुआ 25 मार्च को तो हम लोगों ने एक बैठक की और रिलीफ का काम इनडायरेक्टली हमने 25 मार्च को ही शुरू कर दिया, जब राहगीरों को हम जाके रात में खाना खिलाना शुरू किया, लेकिन 25 मार्च से हमने काम शुरू किया। 25 मार्च से आज 27 जुलाई है, 127 दिन हो गए। इस 127 दिनों में भोजन बनाकर लगभग 66,000 लोगों को भोजन कराया गया, पहुंचाया गया। पहुंचाया गया से तात्पर्य है कि जब कोई लोग नहीं आते थे, बूढ़े बच्चे, तो जो लोग भोजन करने आते थे। किस तरह के एरिया में आपने पहुंचाया? ये यहाँ यही हम बनाते थे और यहाँ के लगभग 18 मोहल्ले के लोग, जैसे बगीचा टोली है, पांड्रा है, पांड्रा नीचे है, लक्ष्मी नगर है, हेहल है, तो इन सारी जगहों से लोग यहाँ आते थे। लगभग 4-4 किलोमीटर से लोग यहाँ आते थे भोजन करने के लिए। हम जाके भोजन पहुँचाते नहीं थे, पहुँचाने से मेरा मतलब है कि लोग लेकर जाते थे यहाँ से भोजन बना करके, हम बना के रखते थे उसको लेकर जाते थे। अभी भी वो काम जारी है लेकिन वो अब छोटे स्तर पे है। यहाँ 40-50 लोगों को रोज 3 बजे से भोजन कराता हूँ। भोजन में क्या क्या होता है? भोजन में चावल, दाल,
सब्जी, कभी खिचड़ी पापड़, कभी पूरी सब्जी। इसमें सबका सहयोग है। आनंद मार्ग के जो सदस्य हैं उन लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रारंभ में 20-25 दिनों तक तो उन लोगों ने ही अपना पूरा आर्थिक सहयोग देकर इस काम को चेक किया है। मैं आचार्य हरेशानंद अवधूत आनंद मार्ग प्रचारक संघ के जनसंपर्क विभाग को मैं देखता हूँ, और वास्तव में सरकार द्वारा जारी की गई जो एडवाइजरी है उसको अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। अगर इसको प्रॉपर फॉलो करें तो बहुत हद तक इसको रोका जा सकता है, क्योंकि अभी तक से रिपोर्ट में जो आया है वो सोशल डिस्टेंसिंग, ह्यूमन टू ह्यूमन ये स्प्रेड होने का खबर है। ये मानसिक रूप से अगर स्ट्रांग होंगे तो ये निगेटिव माइक्रोवाइटर हमारे आसपास में नहीं आ सकता। तो इसके लिए आपको मैं तो ये जो जहाँ भी हैं वो थोड़ा ध्यान करें अपना ये मानसिक जो स्तर है उसको ऊपर करें, आध्यात्मिक वातावरण में अपना जीवन यापन करें। तो ये क्या होगा कि आपका कीर्तन, जैसे कीर्तन है, कीर्तन भजन करते रहें, परमात्मा को गुणगान करते रहें, ध्यान करते रहें। विशेष रूप से आप ध्यान करेंगे और कीर्तन करेंगे तो ऐसे निगेटिव जो वायरस है आपसे दूर रहेंगे। जैसा कि गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है उसको मान के हमको चलना ही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे गार्जियन है। अगर नहीं मानेंगे, मनमानी करेंगे, तो सरकार ने जो स्टेप लिया कोरोना वायरस के लॉकडाउन शुरू किया, बहुत क्षति से हम लोग बच गए। इसलिए जिन्होंने ये महापाप किया है उनको दंडित करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको मानवता के प्रति प्रेम नहीं है, वो मानवता के दुश्मन है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।